शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान में शिरडी के साईं बाबा की पूजा को ही गलत बताया है। स्वरूपानंद ने कहा है कि साईं बाबा के मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब मुस्लिम वहां पूजा के लिए जाते ही नहीं है तो फिर एकता कैसी। शंकराचार्य ने कहा है कि साईं बाबा की पूजा के पीछे हिंदू धर्म को बांटने की ब्रिटेन की साजिश का हिस्सा है। ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते, मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने, हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है। स्वामी स्वरूपानंद की माने तो साईं बाबा की पूजा को लेकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि वो भगवान है ही नहीं।